फैमिली गुड इवनिंग। तो अभी शाम का ब्लॉग है और मैंने जबरदस्त तरीके से प्रैंक किया इस ब्लॉग में, वो आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। अभी मैं बैग वैग लेके घर से निकल गया हूँ झूठ मूठ का, बट नीचे थोड़ा बहुत टेंस होगी ताकि मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं इस वैन से उतर जाऊँ, अभी ठेले पे हूँ और बैग वैग लेके घर से निकल गया। ऐसी जानवी सी घर गया तो भाई यार थोड़ा मजा चकाते हैं सबको। तो अभी अपन लोग निकल चुके, तो भाई जल्दी सासू माँ का भी कॉल आ गया था, बोले कि जल्दी से घर पे आप चले गए ऐसे। तो मैंने बोला कि बस अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मस्ती करूँगा फिर जाऊँगा घर आराम से। तो गाइस फाइनली अभी जानबूझ के मैं इधर बस स्टॉप पे खड़ा हूँ और यहीं से मतलब एक दो काकू से पूछ रहा था कि भाई बाबूघाट किधर है, लेकिन उनको पता था कि बाबूघाट से बस जाती है। और माँ कॉल की दो तीन बार, हालांकि थोड़ा सा परेशान हो रहा है मेरे को, तो थोड़ा सा समझ सकते हो गाइस कि भाई चलो भाई आज थोड़ा प्रैंक कर लेते हैं। तो बिल्कुल निशा को ये विश्वास दिला दिया कि मैं अब जा रहा हूँ गुस्सा होके, ठीक है। और मुंटी भी बेचारी पूरा कॉल की जी आ जाओ, फिर वो थोड़ा सही दोस्त अली बाबू को लेके ब्लैकमेल भी शुरू हो गया कि बेटी बुला रही है आ जाओ, उससे भी नहीं मिले, मैंने उन्हें मिल के आ रहा हूँ। बाकी अभी थोड़ी देर इधर टाइम पास करेंगे बस स्टॉप और फिर जाएंगे घर। तो आप लोग भी बने रहे, आगे आपको बताऊँगा क्या होने वाला है। तो गाइस अब पापा जी बहुत बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तो अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ उनको, बट मैं सोचा कि उनको मैसेज कर दूँ, लेकिन ये लोग उनका फ़ोन यूज़ करते हैं, वरना मैं उसमें बता देता कि भाई मैं मतलब पापा जी प्रैंक कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा देर चले देता हूँ, यार परेशान होते हैं तो वो लोग अच्छा नहीं लगता है। मुंटी और निशा होती थोड़ा बहुत तो जमता भी है, बट चलिए कोई नहीं अभी थोड़ा बहुत इन्जॉय करते हैं उसके बाद जाएंगे। मैं एक बस में बैठ गया था, खाली था ये वाला बस, उसमें बैठ के और वीडियो कॉल की थी निशा, तो मैंने उसको दिखा दिया कि मैं जा रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ घर में। क्या उसे बिलीव हो गया होगा कि मैं निकल गया हूँ और ज़बरदस्त वाला प्रैंक होगा भाई, मज़ा आ जाएगा। अभी जाऊँगा जब घर पर कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी वो, पहले अमरूद ले लूँगा, अमरूद बना के बेचता बहुत मेरे टेस्टी लगता है यहाँ पे, वो पहले गुआवा खा लूँ। मैं निशा के लिए चॉकलेट ले रहा हूँ और निशा खाएगी और मुंटी भी खाएगी ये वाला चॉकलेट, और बाकी अपने लिए कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ और फिर चलता हूँ घर पे। तो गाइस गुआवा तो ले लिया, बाकी सोच रहा हूँ पेस्ट्री ले लूँ क्योंकि माँ को निशा को बहुत पसंद है, तो पास में है मॉन्जिनीज, ये पता नहीं कोई है पेस्ट्री, याद नहीं आ रहा नाम कौन सा है, वहाँ से जाके पेस्ट्री लूँगा मस्त घर चल जाऊँगा फिर। बाकी गाइस कॉल पे कॉल निशा मुझे कम से कम 20 बार ऊपर फ़ोन कर चुकी है, गुस्सा भी होगी पूरा एकदम, जाने के बाद सब मुझे मारे भी हुआ, बट चलो कोई नहीं। सबसे पहले कहाँ आ गया भाई, केक का दुकान दिख नहीं रहा यार, चलो केक की दुकान ढूंढते पहले गाइस। गाइस फाइनली केक के शॉप पे आ गया और मस्त चॉकलेट्स केक ले लिया हूँ निशा और मनीषा के लिए और माँ के लिए। हो गया भैया कितना हुआ? गाइस फाइनली केक भी ले लिया और अब चलते हैं घर, फिर आप लोग को दिखाऊंगा कितना मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा भाई साहब, गाली तो सुनूंगा ही मैं क्योंकि पापा जी भी गुस्सा हो गए थे, सभी गुस्सा हो गए थे। चलते सबसे पहले घर की तरफ। फाइनली वैन मिल चुकी और ये यहाँ के फेवरेट सवारी है ठेला, और मस्त सारा कुछ ले चुका हूँ, चॉकलेट भी लिया हूँ। लेकिन भाई साहब अभी भी डर लग रहा है मेरे को, प्रैंक तो कर दिया बट बुलाई मत हो जाए मेरी बट चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएगी और समझ सकते हैं मैंने क्या किया है। चलिए चलते हैं। गाइस अभी पहुंच चुका हूँ घर के पास और गोलू मिल गया। गोलू क्या कर रहा है? हम तो भी खिला रहे हैं, खिलाऊंगा खिलाऊंगा, पर रुक जब प्रैंक कर रहा हूँ मैं। ओके घर शाम थोड़ा अंधेरा भी होने वाला है, बाकी उन लोग को लगा होगा आधे घंटे, तो मैं 40 मिनट बाहर ही था। उनको बोला कि मैं एयरपोर्ट के आगे निकल गया क्योंकि 12 से 15 मिनट लगता है एयरपोर्ट का रास्ता है, और गोलू मेरे साथ चल रहा है पीछे पीछे। गोलू घर गया था? हम तो पार्क के घर के आके नहीं, निशा दीदी क्या कर रही, निशा दीदी घर नहीं गया था ऊपर? भाई जी देखो कितनी प्यारी बिल्ली है रास्ते में दिख गई है, वाओ। घर के पास आ गया हूँ और देखते कि वो लोग क्या कर रहे हैं। गेट खोल दिया
लेकिन अभी उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि मैं बाकी चलते हूँ। फिर मम्मी पापा हैं, बस पापा जी को बताया था कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ। और वीडियो है मेरी माँ गाइस, वो लोग बगल वाले रूम में है और इधर माँ को तो आके बता दिया मैं। ये देखिए तुमने भाई बहन क्या कर, सरप्राइज चले गए थे, लग रहा था केक कैसा लगा बाबू। ओ माय गॉड कैसा लगा है, ओ माय गॉड पापा के जानिए ओ माय गॉड, ओ माय गॉड कैसा लगा सरप्राइज। ये लो बाबू मेरा चॉकलेट ले लो, तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर। एगो बॉस खाली था, वीडियो कॉल कर दिया, बैठ गए तो सर चालू कर दिया। भाई रुक रुक उठा रहा है मुझे। ओ भाई रोने लगे, गजब का प्रैंक हो गया। बोले आप लोग मजाक किया, आप उसे गुस्सा से चले गए। मैं तो मजे कर रहा था, क्या हो गया भाई चॉकलेट लाए उन लोग। कितना रूम अरे क्या अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, अभी मैं प्रूफ दे रहा हूँ कैसे मजाक कर रहा था। देख भाई देखो चॉकलेट ले आए किसके लिए, आई दादा खोल के खाने लगा कि भाई कि अब मतलब बिट्टू देखो तो बटुआ को छोड़ के जाएगा। बिट्टू मेरा सब लार्ज कर दिया है, पूछो इसका जा। हो बाबू बहुत ज्यादा लार्ज कर दिया है बिट्टू मेरा। पापा जी को सुनो हाँ देखो अभी ये क्यों हंसने लगी, क्योंकि गाइस मैं लाया था कि किसके लिए, सब निकाल के दादा एकदम सदा दिए। हम का है वो? वाह भाई चॉकलेटो ले लिया सब, अब क्या होगा। अमरूद लाए हैं तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया से तुम खाती हो। ओ देखो बेटे कैसे खा रही है मम्मी।